और मीटिंग हुई उसमें उसने गाड़ी गुल्ला कर दिए थे, हमारे गौरव पार्षद है उससे मतलब गाली गुल्ला कर दी है। इसके बाद हमारे बबलू चौधरी जी ने बोला कि अरे आप गाली कैसे दे रहे हो। उसके बाद उन्होंने बोला अरे हमारी बेइज्जती कर दी, ये कर दी, हमें बाहर निकल गए। उसके बाद बाहर गाली गुल्ला करे थे उन्होंने। इसके बाद उनकी वीडियो हमारे पास है, पिंटू मीना जो ऐसा ही है उसने बोला है कि अरे इनका सोमिया गुजर जैसा हाल कर देंगे, चेयरमैन का और पार्षद होगा, और गाली दे के बात की थी उन्होंने। वीडियो है उनके हमारे पास। इसके बाद उन्होंने थाने में आ गए मुकदमा दर्ज कराने के लिए। उसके बाद इसने आप खुद लाइव आए थे इसमें और बोला था कि भाई विकास से हमारा राजीनामा हो गया और विकास ने सॉरी बोल दी। मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई, ना कि मैंने कोई सॉरी बोली, कारण ये है कि मैंने कोई गलती नहीं की है उसकी मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, ये मेरी इमेज को ख़राब करना चाहते हैं। माननीय SDO साहब जब समझाइश के लिए आए थे उस टाइम पे ATP साहब के सामने बात हुई थी, जो आज के आयुक्त का चार्ज है उनके पास में, तब सामान्य SDO साहब के सामने भी ये कोई गाली गलौज की या किसी प्रकार की कर्मचारियों से अभद्रता का कोई बात नहीं आई थी कि आज कोई अभद्रता हुई है। लेकिन इनने झूठा मुकदमा जो आज ये धमकी दे रहे थे, पहले ही पूर्ण प्रीपेड होके कर्मचारियों को ड्यूटी पे शराब पिला कर लेके आना और इस प्रकार की महिला पार्षदों के साथ अभद्रता गाली गलौज करना, आपने जी न्यूज पे पहले भी दिखाया, लाइव चलाया था तो आपके सामने ही आपकी न्यूज पे किस प्रकार से वो बिहेव कर रहे थे ये सब आपको मालूम है और हम कुछ बता नहीं सकते। इस प्रकार की अशोभनीय भाषा पार्षदों के लिए, शब्द महिलाओं के लिए, इस प्रकार के शब्द पार्षदों, सम्मानीय पार्षदों के लिए, ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय भाषा में उनने बात करी है। और आज जो ये धमकी देने दे रहे थे, जो झूठा मुकदमा सौम्या गुजर को सस्पेंड कराने का ये दे रहे थे, तो ये प्रीपेड प्लान था इनका कि भाई ये ऐसा करना है। और इस प्रकार जब SDO साहब ने इनको समझा दिया, उनके सामने समझा के SDO साहब आ गए और उसके बाद में आकर इनने जो हरकत की है, आज ये झूठा मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं ये यहाँ, ये बहुत ही अशोभनीय है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी पार्षद एक साथ हैं और आगे की अग्रिम कार्रवाई कानून और प्रशासन करेगा ही। क्या बोर्ड की मीटिंग भी बुलाई गई है? बोर्ड की मीटिंग संभवतः बुलाई जाएगी 7 दिन के अंदर अंदर, अभी बात नहीं हुई है, सूचना मिली नहीं है, लेकिन बोर्ड की मीटिंग जल्दी बुलाई जाएगी। बहिष्कार करेंगे हम, अगर बोर्ड मीटिंग नहीं होती है तो सभी पार्षद इसके लिए लिखित में मांगेंगे कि बोर्ड मीटिंग करवाओ और इस प्रकार से अशोभनीयता या जो लापरवाही पूर्वक कार्य करते हैं, शराब पीकर ड्यूटी पर दौरान अभद्रता कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। आखिरकार गंगापुर सिटी को हो गया गया, 15 दिन तो पहले हड़ताल हो गई थी, आम जनता पहले परेशान थी, कर्मचारी और पार्षद दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं, एक कोई इंजन है तो कोई डिब्बा है। काम करवाने के लिए आए हैं सारे पार्षद, इतने है ना लगन के साथ काम करते हैं, सुबह से झाड़ू वालों के साथ लग जाते हैं, कर्मचारी के साथ लगे रहते हैं, जमादार लगा रखे हैं, जमादार क्या कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, सारी मेहनत पार्षद कर रहे हैं। ये बता रहा हूँ, लाइटों को खोलना, लाइटों को लाना, नगर परिषद जमा कराना, ऐसे पार्षद शायद, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पार्षद के तो हार्ड वर्कर हैं सारे। इधर हमारी मैडम को देखो, सावित्री मैडम को, बेदू भाई को देखो, कितना लगा रहता है बाढ़ के अंदर मेहनत करने के लिए, योगेंद्र भाई को देखो, हमारे विकास ठेकला को देखो, विनोद भाई को देखो, सारे लगे रहते हैं और कह रहे हो गंगापुर का विकास चाहते हैं ये पार्षद, लेकिन ये कर्मचारी कुछ काम नहीं करते, कुछ करने नहीं देता। पार्षद कह रहे हैं कि ये काम करो, काम नहीं करें तो फिर क्या करें? पार्षद कहेंगे किससे, ये बताओ आप। गंगापुर में बदम जी, आप भी खुद जानते हो इस चीज को, आप भी पार्षद और आपको पता है कि नगर परिषद में क्या हो रहा है, कर्मचारी क्या कर रहे हैं, काम करना कोई चाहता नहीं है, सब इटल विटल करते रहते हैं। अब पार्षद चाहते हैं काम हो, गंगापुर का विकास हो, गंगापुर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चले। सारे सफाई कर्मी तो JN बन के बैठे हैं नगर परिषद में, एक भी कर्मचारी काम पे नहीं जाता है और राजनीति इतनी जबरदस्त कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बार बार धमकी दे रहे हैं ST SC का केस करने की, बार बार ये धमकियों से हम कब तक दबेंगे? आखिर में हमें सबको एकजुट होकर यहाँ आना पड़ा है, मुकदमा दर्ज करवाना पड़ा है इनके खिलाफ, और इसी तरह अगर चलता रहा तो गंगापुर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, सफाई व्यवस्था वो दुरुस्त जब तक। और एक अभियान में कोई बैटरी नहीं है, कर्मचारी कोई भी नहीं आता, कोई मतलब नहीं है, आपने खुद ने भी कल लाइव चलाई थी, प्रशासन से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया तो ये नगर पालिका में बैठा तो कोई बेचारा इधर इधर नहीं भागेगा, पार्षद को भी मालूम नहीं है भाई कौन खापे है तो कैंप लग रहा है। ये हालत है नगर परिषद की, आप देख लो, रोड टूटे पड़े, रोड के काम क्या कहना चाहेंगे? शिवरी मीना, मैं ये चाहता हूँ कि भाई हम जो आज ये वाक्य हुआ नगर परिषद में, क्या सही हुआ क्या?
नहीं, आज दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ऐसा पार्षदों के साथ में अगर ऐसा होने लग गया तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा गंगापुर सिटी का। तो मेरा ये कहना है कि हम सम्मान चाहते हैं और सम्मान ही करना सीख जानते हैं हम। तो ये है कि हमारा अगर सम्मान नहीं होगा तो बेकार है हमारा जनप्रतिनिधि बनने का। तो ये ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी नौबत आ चुकी है जो थाने पे हमको आना पड़ा है। इसलिए आगामी चीज को देखते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 40 पार्षद थे, सुबह जब SDM साहब आए थे उनकी बात हमने मानी थी, लेकिन उनके ही कर्मचारी उनने उनकी बात नहीं मानी। हमने तो सम्मान दिया था SDM साहब को, उसके बाद कर्मचारी ने कोई मतलब नहीं है। और इसमें राम रूप मीना है, इसको फ़ोन करते हैं भैया JCB भेजते हैं, अरे आ जाएगी फ्री होगी जब, 5 दिन में आ जाए, महीने में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कचरे के ऑटो कीपर आ रहे नहीं है, कोई मतलब नहीं है नगर पालिका। राम रूप जी को तो अभी चार्ज दिया, लेकिन अरे ये तो पहले से ही ऐसा ही बन के रह रहा है नगर पालिका में। जो कहते हैं कमिश्नर में तो भाई हमसे ये कहता है कमिश्नर में खुद हूँ, मैं चाहूँगा मकान होगा, ये बोलता है राम रूप मीना। और उसके बाद कल मेरी बात हुई उनसे तो कोई मतलब की नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपसे। दोस्तों हमारा कहना है कि जी कहो और जी कहलवाओ तो इसी में सार है। और ये जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। नगरपालिका में कर्मचारी बैठे हैं, किससे बात कर रहे हैं भैया? हम नगर पालिका में कर्मचारियों से तो बोल सकते हैं, क्योंकि लोग हमको फ़ोन करते हैं डेली के, फ़ोन 150-200 फ़ोन आते हैं हमारे पास कि भैया न सफाई नहीं हो रही, न नाला फुल हो रहा है। और काफ़ी बार बोल दिया मैंने, आप भी देख लेना बसुंधरा कॉलोनी में नाला फुल हो रहा है और पानी रोड पे होकर निकल रहा है। बोल दिया मैंने सब कर्मचारी को बोल दिया, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ना जमादार आते हैं और ना इनके अधिकारी आते हैं। फोन चलो दोस्तों, पार्षद लोग भी यहाँ पर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए थे। हमारे राम बाबू मीना पार्षद है। बोलो बोलो। जय हिंद जय भारत। आज जोड़ गए 100।